जिला जींद के पश्चिमी भाग में जींद हांसी रोड पर 8 किलोमीटर दूर स्थित तालाब है। इस तालाब का निर्माण गुस्सैल योद्धा संत परशुराम ने किया था। वामन पुराण के अनुसार राम हृदय को रामराय गांव के साथ पहचाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहां भगवान परशुराम ने अपने पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए इतने क्षेत्रियों और हृदयों को मारा कि 5 तालाब खून से भर गए और खून तालाब में पानी की तरह बहने लगा। इसलिए राम हृदय तीर्थ के तालाब में स्नान करना पवित्र माना जाता है। भगवान परशुराम जी ने भी यहाँ करके तपस्या की है, कुछ अपना समय व्यतीत किया है, उसके बाद वो महेंद्र पर्वत की तरफ चले गए। वर्तमान समय में यहाँ पर पूर्णिमा के ऊपर महीने की हर पूर्णिमा को बड़ा ज़बरदस्त मेला लगता है और यहाँ पर पूरे भारत से लोग स्नान के लिए आते हैं। महाभारत काल में जो हमारा द्वापर युग था, इस तीर्थ के अंदर कृष्ण जी पांडवों सहित आए थे, क्योंकि इसके बगल में एक सन्निहित सरोवर है, वो वहाँ पर पिंडदान के लिए आए थे। उन्होंने अपने यहाँ मरे हुए जो उनके बांधव थे उनका तर्पण भी किया। इसके बाद यहाँ से वो कुरुक्षेत्र में स्थानांतरित किया गया। जो आज कुरुक्षेत्र में सन्निहित है वो रामराय की मिट्टी ले जाकर के बनाया गया है। तीर्थ के पास ही भगवान परशुराम को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। जिसमें मूर्ति की नियमित रूप से पूजा की जाती है। रामराय एक प्राचीन गांव है और आसपास के लोगों के लिए यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। लोगों की इस तीर्थ के प्रति आस्था है कि इसमें 8 पूर्णिमा लगातार स्नान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। साल भर भक्त यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं और हर पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है। राजा भी